यूपी के बदायूं में बड़े सरकार और छोटे सरकार की दरगाह पर रूहानी इलाज के नाम पर रोगियों को बेड़ियों से बांध कर रखा जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। ये मेरा बेटा है जी। क्या दिक्कत थी इसको? ये पागलपन था इसको। मैंने हॉस्पिटलों में खूब दिखा लिया इसको, सादरे भी दिखाया, RML मनोहर लोहिया में दिल्ली भी दिखाया, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। ये मुझे मारता ही था वहाँ भी, अब यहाँ पर लाकर बंधवाया तो बिल्कुल इसको अब पूरी राहत है। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि यहाँ जो लोग बंधे हैं वो गलत है। ये तो बिल्कुल सही बंध रहे हैं, गलत कहाँ है, ये तो मेंटल है। ये बंद इसलिए कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ पहले ही कि ये घर वालों को दिमागी तौर पर इनका हालात सही नहीं है, दिमागी तौर पर ये बीमार हैं, और मतलब जो है कि घर में तोड़ फोड़ ये अटरम सटरम, इन पर रूहानी आसिब का चक्कर भी है, कुछ दिमागी चक्कर के भी हैं, कुछ और भी इन पर चक्कर ऐसे हैं जो आदमी साइंस जो है वहाँ पर फेल है। देखिए, ये सरकार का रूहानी इलाज है, जो इलाज दुनिया में कोई ना कर पाए वो सरकार के यहाँ से फेज वो जारी है। ठीक है, वो जो जगह जहाँ पे जो इन लोगों को रखा जाता है, इनका जो ट्रीटमेंट है वो डायरेक्ट सरकार से है, रूहानी इलाज है ये सरकार का। और इनका यहाँ पे क्या नाम है, बाकायदा जब ये लोग आते हैं इनकी एंट्री होती है, इनका रिकॉर्ड यहाँ पर है, जो लोग सही होकर चले गए उनके रिकॉर्ड यहाँ पर हैं। आप जैसे कि देखें, अगर जाके आप देखेंगे तो बाकायदा रजिस्टर में सबके नाम पता एड्रेस सबके साथ रखा जाता है, और तमाम इंतज़ाम वगैरह उनके सब होते हैं यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली हैं यहाँ मौजूद हैं, वो लोग लेके उन्हें खुद हाजिरी कराते हैं, जिनका कोई नहीं है और घर के अकेले हैं ज़्यादातर, वो लोग यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो लोग वहाँ पे बनवा दिया जाता है उन लोगों को, और वो लोग इलाज करते हैं।